उससे तो कर लूंगी मैं बात, लेकिन आपका क्या करूं? मैं तो मैं बता चुका हूं कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे नहीं मालूम था, अगर पता होता तो ये मैं शादी नहीं होने देता। तुम जानो और तुम्हारा भाई जाने, मुझे इन सब चीजों से दूर रखो, तुम समझी? मुझे तो अपनी बेटी का डर लग रहा है। क्या मतलब, क्या हुआ, क्या कह रही हो? बुरा मत मानिएगा भाभी, फाखिर को आप समझा के रखिए। कुछ भी है, आपने चाहे जैसी भी उसकी तरबियत की हो, लेकिन तो वो नहीं कहूँ। मैं क्या प्लान बनाऊंगा? प्लान तो मेरे घर वाले बना रहे, वो भी एनी और साइका पप्पू के साथ। उनको लगता है ये प्लान बनाने से मैं और एनी विल गेट टुगेदर। ठीक है तो फिर हैव फन, आई विल टॉक टू यू लेटर। क्या हुआ बेटा, परेशान लग रही हो? साफ पता चल रहा तुम्हारे फेस से, यू आर अपसेट। व्हाट हैपेंड? कुछ नहीं, इसीलिए मना कर रही हूं तुम्हें। फाखर से बात मत करो, उसे डिस्टेंस पर रखो। डू यू नीड टू अंडरस्टैंड, तुम दोनों की लाइफ अब डिफरेंट है, तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये रिश्ते बेटा बहुत नाजुक होते हैं, तुम्हारे लिए ये फ्रेंडशिप शायद हार्मलेस है। लेकिन फाखिर और उसकी बीवी के लिए ये बम की तरह फट सकती है, समझ रही हूँ? तो टाइम लगे तो एवरीथिंग टू फाइनल सब ठीक है। जमशेद ने तो दिल ही तोड़ दिया, एक ही भाई था वो भी शादी होने के बाद बदल गया, देखना पछताएगा। सॉरी अम्मा, उसे क्या पता कि जमशेद मामा को पता ही ना हो कि वो उस औरत की बहन है। और क्या पता वो इनसे अलग हो। गुड पॉइंट, अलग हो पहले इनको अलग करो, बैठो तय करो, चलो। माँ क्या है? माँ तैयारी करने दो। आपको क्या जरूरत है हमें यहाँ से लाहौर भेजने की, वो भी बाय रोड? समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा, कहीं कतल ही ना कर दूंगा उसका। मैनी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए मुझे, मैं बता रही हूँ मैं पहले से बहुत टेंशन में। अच्छा मैं उससे लड़ती हूँ? हाँ वह मुझसे लड़ता है, तमीज वो मुझसे हर वक्त लड़ता रहता है, मैं तो कुछ बोलती भी नहीं हूँ आगे से। तुम्हें कह रही हो ना, सुन लो, अब तुम नजर रखना इस पर, खबरदार नहीं गेम्स में लगी। मैं भी चलती तुम लोगों के साथ, लेकिन पीछे से कहीं वो राहेला कोई खेल ना रचना शुरू करते हैं। ना अगर मैं वैसे कत्ल करती हूँ जेल तो नहीं जाऊं? बहुत चलता है तुम्हारा दिमाग बेकार की बातों में, कभी अकल में भी कपड़े तय कर लो, तुम्हें जाना ना, मैंने तो नहीं जाना सफर पे। अंडरएज तो जेल नहीं जा पाऊंगी। अच्छा अच्छा भेज, बताऊं भी कहां जा पाओगी तुम, तय करो। क्या उसके सरफ है इसको या तकरो से देर हो रही है, जाने। मुझे तुम्हारी इस बारे में कोई बात नहीं सुननी। हबीब बात तो सुननी पड़ेगी आपको, हबीब बात सुननी पड़ेगी आपको। हबीब बोलो। आप जानते मैंने क्या कुछ सहा है आपके लिए, आपके घर वालों ने मेरी बेइज्जती की मैंने बर्दाश्त किया, जो कुछ हुआ मैंने बर्दाश्त किया,
आपकी बीवी होने का हक नहीं मिला मुझे आज तक, पर मैं चुप रही आपकी वजह से। ये बात नहीं करना, ये बात हमारी पहले हो चुकी थी। मैंने तुम्हें बताया था कि कुछ भी हो सकता है, जिसपे तुमने हामी भरी थी कि तुम्हारा साथ देने के लिए मैं कुछ भी बर्दाश्त करूंगी, तो अब ताने देने का क्या मकसद है? नहीं देखिए, बात इस बार आलिया की है और मैं उसके बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। आप खुद कहते थे ना कि वो बहुत अच्छी लड़की है, हमारा रिश्ता हो गया तो कांटे निकल आए उसमें, सिर्फ इसलिए कि वो आपकी पहली बीवी का भाई है। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम दोनों बहनों को पता ही नहीं चला कि शादी कहाँ हो रही है और किससे हो रही है? ठीक है, मुलाकातें कम रही होंगी, मगर कोई खबर ही नहीं हुई तुम दोनों बहनों को, ये मैं मान नहीं सकता। गादे अभी इल्जाम बहुत से हैं, मैंने मुझे आदत हो गई है, लेकिन मैं उसकी जिंदगी खराब नहीं होने। आलिया ने अपनी जिंदगी खुद बर्बाद की जमशेद से शादी करके, ये तुम दोनों बहनों को पहले सोचना चाहिए था। अरे पहले किसको पता होता है कि बाद क्या होगा? हाँ, कोई बेवकूफ ही होगा जिसको पता होगा। ताना मार रही हो? मैं तुम्हें बताऊं मैंने क्या सहा है तुम्हारे लिए, कितना लड़ा हूं मैं अपने घर वालों से। आयशा को मैं कम अहमियत देता हूँ तुम्हारे मुकाबले में, ये इसलिए ये बातें सुनने के लिए। अहमियत बातों से नहीं होती अभी साहब, दिखता है, दिखाई देती है अहमियत। वो उस घर में रहती है ना सबके साथ, पूरे घर के बीच में, और मैं अकेली पड़ी हुई हूँ। ठीक है, मैं कर रही हूँ, बर्दाश्त मैं करूंगी, लेकिन मैं आलिया की जिंदगी नहीं खराब होने दे सकती इस तरह। तुम्हारी बहन को जमशेद से शादी नहीं करनी चाहिए थी। वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, ये गुनाह है? नहीं तो मोहब्बत के दावे करते थे ना मुझसे, भूल गए? दूसरी शादी गुनाह नहीं होती, हम उसे गुनाहगार बना दिया। चलो है वो काली मुर्गी कौन लेने के लिए गया था? इन बच्चों की हमें नजर उतारनी थी, कहाँ रह गया कोई? अरे है अम्मा, क्या हो गया आपको? नजर उतारनी है, हम कौन सा जंग पे जा रहे हैं? जंग पे नहीं तो लंबे सफर पे तो जा रही हो ना, तुम्हारा शौर कहाँ है? ये लें, बड़ी मुश्किल से लेने के लिए गए थे मुर्गी को। आओ तुम दोनों साथ खड़े हो, इसको क्या हो रहा है? अरे अरे अरे, कोई बात नहीं, हो गया, मैं रख के आता हूं। गिर के मेरे हाथ से क्या होगा? अरे कुछ नहीं होता, करे सफर सही से गुजर जाए। अरे कुछ नहीं होता, बस हो गई, उतर गई नजर, फिक्र ना करें। और वैसे भी ये अपनी साइका और फराज है ना, साथ संभाल लेंगे सब कुछ, बच्चे हैं, बस बच्चों को एंजॉय करने दें। चलो शाबाश, जैसे मैंने समझाया ना वैसे रहना बिल्कुल तमीज से, फटाफट। और आप सुनो, चलो भाई देर हो रही है, आ जाओ। अच्छा अम्मा, अच्छा बेटा, अच्छा बेटा, ना ख्याल रखिएगा, तुम भी बच्चों का ख्याल रखना। जी जी, चलो भाई चलो, पैसे जाओ, पैसे वापस। अल्लाह हाफिज भाई, अल्लाह हाफिज आयशा, समीना भाभी, खुदा हाफिज। ड्राइवर गाड़ी चलाते हुए सो जाते हैं, और ज्यादा तेज मत चलाने देना, ये नहीं अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसका ख्याल रखना। शाबाश। एक दो तीन, चलो जल्दी कूदो। मजाक का मूड नहीं है मेरा। अच्छा तो तुम बुरा ही मान गए, से बताओगे हुआ क्या? यार 3 हफ्ते के लिए स्कूल बंद हो गया है।
अब मैं 3 हफ्ते तक एनी को नहीं देख सकता। साहब हमारे सर से एनी का भूत कब उतरेगा? पता भी है, अब वो शादीशुदा है। मेरा दिल मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरे दिमाग को पता है उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन ये दिल नहीं मानता उस चीज को। और वैसे भी मैं क्या ही कर रहा हूँ, उसको देखता हूँ तो दिल को एक सुकून मिलता है। हाँ क्या हुआ, क्यों फोन कर रहे हो? नहीं मैं नहीं जा रहा, मेरा मूड नहीं है, तुम लोग जाओ। कहाँ जाने का कह रहे हैं तुम्हारे दोस्त? 3-4 दिन के लिए आउट ऑफ सिटी जा रहे थे। मुझे भी बोला कि साथ चल लो, लेकिन मना कर दिया मैंने, मूड नहीं है मेरा। क्यों मूड नहीं है? जाओ ना उनके साथ, शायद तुम्हारा मूड ठीक होगा। और वैसे भी मुझसे तुम्हारी ये मजनू वाली हालत नहीं देखी जा रही। क्या करूंगा उनके साथ जाकर? अच्छा तो यहाँ बैठ कर क्या कर रहे हो तुम? उनके साथ जाओगे, अच्छी बात है, घूमोगे, यहाँ क्या करोगे? जाओ उनके साथ, अच्छा लगेगा तुम्हें। यहीं बैठे रहे तो कहीं सच में ही ना कूद जाओ तुम नीचे। क्या कर रही हो? जगा रही हूँ तुम्हें, जाओ उनके साथ, करो कॉल दोबारा। भाई भाई क्या हो रहा है, क्या कर रहा है? मारना बंदा रोक। हेलो, क्या दिमाग खराब हो गया तेरा, पागल हो गया तू? दिखाई नहीं दे रहा, क्या मसला है? बस आंख लग गई थी। आंख लग? और क्या, बिस्तर है क्या आंख लग गई थी? काला मुर्गा भागा था ना, तभी हो रहा है ये सब कुछ। अरे तुम तो चुप करो यार, क्या मसला है यार? भाभी आ गई, रात पास में के रुक जाते हैं, अभी नींद में हो रहा है अभी। हाँ ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो। अब भाई कोई होटल है, कोई रेस्ट हाउस यहाँ करीब में? यहाँ थोड़ा दूर में बॉस होटल। नहीं यानी तुम ठीक हो? बैठ जाओ, जाओ बैठो, सुनो सर। तुम लोग ठीक हो सारे? भैया फूफा को जगह दो, ले चलो फिर हमें वहाँ आराम से। तुम चलो यार खुदा के लिए, अपनी आंखें खोली रखना अपनी। पानी वानी पड़ा गाड़ी पे, देखो पीछे पड़ा होगा। सांस नहीं आ रहा। आ जा, आ जा। तुम क्या बाहर खड़ी हो, बैठो ना भाई अंदर। भाई दिल घबरा रहा है मेरा। तो बैठो अंदर, सही हो जाएगा। तमाशा लगा हुआ है क्या? शुगर करो, जान बच गई है। ठीक हो बच्चों सब? एनी मेरी तो जान निकल गई थी उस वक्त। शुक्र है कि तुम्हें कोई चोट नहीं लगी। तुम अब कैसा फील कर रही हो? नहीं नहीं अल्लाह का शुक्र है, कुछ नहीं हुआ। वो सही है, टाइम पे ब्रेक लग गई थी, ऐसे तो कुछ भी नहीं, सब सही है, अल्लाह का शुक्र है। मैं बात करता हूँ ना अभी, मैं उनसे बात करता हूँ। रहने दो बस वहां रहती, आप ठीक है? अच्छा मैं कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। आखिर तुम्हारे पापा को तो कमर में चुप पड़ गई, अब आगे का सफर बहुत मुश्किल से गुजरेगा भाई। हाँ मेरे भी अभी पापा से यही बात हुई, वो कह रहे हैं तुम लोग कल वापसी आ जाओ। दादी को तो उन्होंने बता दिया एक्सीडेंट का, वो भी यही कह रही थी कि नजर हिलकी। अरे ठीक ही तो कह रही, वो काला मुर्गा ही ठीक नहीं था, इनसे कोई काम कभी सही हुआ है? साइको पप्पा लगता है फेंगपुर ने नजर लगा दिया। ये बात तो मैंने सोची नहीं, बड़ी जल पुखरी है।
अरे अल्लाह, मैं क्या कहने आई थी और किन बातों में लगा दिया तुम लोगों ने मुझे। फाखिर बेटा वो ढाबा नहीं था, वहां से कुछ खाने के लिए लाओ। यहाँ तो सब कह रहे हैं कि जी किचन बंद हो गया, अजीब सा कुछ होटल है ये। मैं अभी लेके आता हूँ बस। अकेले जाओगे? कोई मसला नहीं है, सामने तो जाना है। मैं साथ चल लेती हूँ। सामने ही जा रहा हूँ, कोई इतना दूर थोड़ी जा। मैं कह रही हूँ ना कि मैं साथ चल लेती हूँ तुम्हारे। ठीक ही तो कह रही है, जाओ दोनों साथ चले जाओ। और जरा जल्दी आना, फुप्पा मर रहे हैं भूख। साथ है बस, हम फौरन ही आ रहे हैं। आ जाओ। हुकुम साई, हुकुम। 3 किलो कढ़ाई कर दे और 10 नान कर दी के साथ। और कुछ नहीं? नहीं नहीं, ऐसे तो कुछ। अभी लाया। मेहरबान। फाखिर भाई मैं बाथरूम से होके आता हूँ। आप थैंक यू फाखिर, मेरा ख्याल रखने के लिए और बचाने के लिए। अगर तुम नहीं बचाते तो। कुछ किया नहीं है मैंने, कौन सा गाड़ी के आगे आके छलांग मार के तुम्हें बचाया था, कुछ भी नहीं किया है। सो नहीं, लेकिन फिर भी चोट लग सकती थी। तुम्हें चोट लगती ना, मेरे अब्बा मुझे ऐसी चोट लगाते है, पूरी दुनिया देखती। फिर वो सॉरी सॉरी। चांद कहाँ से निकला आज? तुम सही कहते थे, अपने अब्बा की वजह से मैं बाकी मर्दों की नियत पर शक करती हूँ और ये बात गलत है। लेकिन हमारी शादी ऐसे हुई है कि ये रिश्ता सच ही नहीं लगता। मुझे सबके सामने तुम्हारी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी और ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए था। आई एम सॉरी। खैर है यार, दो बात है। जाहिर है इस रिश्ते को कबूल करने में, समझने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। खैर, कम से कम इस एक्सीडेंट से एक चीज़ तो अच्छी हुई। वो क्या? कम से कम हमें साहिब के ऊपर उनके पूरे घर वालों के साथ लाहौर तो नहीं जाना पड़ेगा। तुमने हमें क्या पागल समझा हुआ है? तुम किसी भी अपने दोस्त से चचा मामा बना के बात करा दोगे और हम मान जाएंगे? तेरा ड्रामेबाजी बंद करो साहब, इनको थाने लेके चलते हैं, अभी सब पता चल जाएगा। हम यहाँ से कहीं नहीं जा रहे, क्या हो गया आप लोगों को? ऐसे कैसे नहीं जाओगे, उठा के डालो इसको गाड़ी के अंदर। चलो छोरी, चल गाड़ी में। अबे यार, ये कैसी जगह पे ले आए हो? ये कोई जगह है बैठ के खाना खाने की? अजीब हरकतें करते हो यार तुम लोग भी। अबे यार, इसका खाना बहुत ही आला किस्म का है, तो एक ट्राई तो कर, समझा यार इसको। अबे वही, हमारे पास लाइसेंस वाइसेंस नहीं है। मुंह बंद करके रहो, मुंह बंद करके रहो, चुप करके, चुप करके। अरे बाबा, इसको नान कढ़ाई तो बोल। जी पार्किंग लॉट में एक छोकरा छोकरी बैठे हैं, अगर आप बोलो तो आज की कुछ कमाई हो जाए। बकवास करता है, रिश्वत लेना देना दोनों हराम है। अगर वो दोनों गलत काम कर रहे हैं तो फिर उनको पकड़। साहब जी, निका छोका छोकरी अंडर एज है। चलो देखे थे। छोकरा छोकरी, ये बताओ इस टाइम आप दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो?
आप लोगों से मतलब? जितना पूछा जाए ना उतना जवाब दे। तुम छोरा छोरी यहाँ पे क्या कर रहे हो? ओ साहब, मुझे तो लगता है ये छोरा इस चोरी को भगा के लाया है। एक सेकंड, आप लोग गलत समझ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं, क्या हो गया? वो क्या गलत समझ रहे हैं, लाओ कोई खर्चा पानी निकालो, वरना अभी तुम्हारे घर वालों को फोन करके बुलाएं। आप गलत समझ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ ऐसी कोई बात नहीं, मेरी बीवी है। अच्छा, अभी तो तेरी दाढ़ी मुँह से नहीं निकली, और ये लड़की तेरी बीवी है, और निका नामा है तेरे पास? निका नामा तो नहीं है फिलहाल मेरे पास। वो साहब ही ऐसे नहीं मानेंगे, इनको थाने लेके चलते हैं, अभी सब पता चल जाएगा। थाने? पर हमें थाने क्यों लेके जाएंगे फाकिर? मैं बात करूँ ना इन सब को। सर देखिए, आप लोग गलत समझ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं, मेरी बीवी अभी हमारी पिछले हफ्ते ही शादी हुई है। हम लोग यहाँ अपनी फैमिली के साथ घूमने फिरने आए हुए थे, बराबर में होटल उधर ठहरे हुए। उस होटल में तुम ठहरे हो, इस होटल में तुम क्या कर रहे हो? उस होटल में खाना नहीं मिलता क्या तुम्हें? क्या बात कर रहे हैं आप लोगों में, आप लोगों को समझा रहा हूँ, समझ क्यों नहीं रहे आप लोग मेरी बात? आराम से बात कर, ये तो थाने ले जाके तेरी सारी हकड़ी निकाल दूंगा। फाकिर, तुम ना इनसे बहस मत करो, तुम फराज पप्पा को फोन करो, हम इनकी उनसे बात करवा देते ना। करता हूँ यार, देखता हूँ। क्या हुआ? सिग्नल नहीं आ रहे हैं यार। और मेरा फोन डेड है। वाह भाई वाह, वैसे तो बच्चियों के कान में मोबाइल चुपका रहता है, अब ना सिग्नल आ रहे हैं और मोबाइल भी ऑफ है। आप लोगों में से अगर किसी के पास फोन है तो आप लोग मुझे दे दें, मैं अभी आप लोगों की बात करवा देता हूँ। तुमने हमें क्या पागल समझा हुआ है? तुम किसी भी अपने दोस्त से चचा मामा बना के बात करा दोगे और हम मान जाएंगे? तेरा ड्रामेबाजी बंद करो साहब, इनको थाने लेके चलते हैं, अभी सब पता चल जाएगा। हम यहाँ से कहीं नहीं जा रहे, क्या हो गया आप लोगों को? ऐसे कैसे नहीं जाओगे, उठा के डालो इसको गाड़ी के अंदर, चलो छोरी चल गाड़ी में। ये तो एनी है। अबे इसको यहाँ भी एनी नजर आना शुरू हो गई, तू पागल हो गया मेरे क्या? अबे पागल वागल नहीं हो गए, ये वाकई में एनी है। इसको कहाँ लेके जा रही है? शायद थाने लेके जा रहे हैं। उठो उठो, हमें भी थाने जाना पड़ेगा यार, क्यों बैठे हुए हो? हम जाके क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? अबे मेरा भाई थाने चल रहे हैं यार, इन लोगों की मदद करनी है, निकल रहे हो या मैं अकेले जाऊं? अरे अबे उठ जा यार। एक बात समझाएं मुझे आप लोग, ऐसा क्या जुर्म किया, ऐसी क्या बात हुई जिसकी वजह से आप लोग हमारे साथ ये सलूक कर रहे हैं? बाबा जो पहला मुजरिम होता है ना थाने के अंदर जब आता है वो ऐसा ही बोलता है कि हमने क्या जुर्म किया है। लेकिन आप बताएं हमें, हम लोगों ने ऐसा क्या किया कि आप हमें लॉकअप में डाल देंगे? अब हम तुमको ये बताएंगे तुमने किया क्या है। तुम जैसी लड़कियां होती है जो लड़कों के साथ भाग कर घूमती फिरती रहती है, शर्म आनी चाहिए तुमको, अपने माँ बाप को भी बदनाम करती हो इस हरकत करके। आपको तमीज वमीज नहीं क्या औरत से बात करने की? क्या कहाँ से आए आप? अभी तो बेटा मैं तेरे को अभी यह दिन सिखाऊंगा कि तू सारी जिंदगी याद करेगा, समझा? उसको बंद करो इसको। छोड़े मुझे, गलत कर रहे हैं आप, छोड़े जो छोड़े मुझे, छोड़े इधर लेके जा रहे, छोड़े मुझे। चल अभी तेरी गलत कर रहे हैं आप लोग, समझे? इधर बंद करें, मुझे बाहर निकाले आप लोगों को बताता हूँ। तो बाबा खामोशी से बैठिया, तेरी सारी हकड़ी निकाल दूंगा अभी। फाकिर तुम ना आराम से बैठो, मैं कुछ करती हूँ। अभी भी ज्यादा शोरी मत कर, खामोशी से वहाँ बैठिया, नहीं तुझे भी अंदर डाल दूंगा। इन सब पे नजर रख। क्या करनामा किया छोरे, लगता है पहली बार आया। चलो वहां से बैठ, इधर नहीं आ रही है तुझे। या अल्लाह, हैनी का फोन क्यों नहीं लग रहा है? क्यों परेशान हो रही हो? कब से हैनी को फोन ट्राई कर रही, तो उसको फोन नहीं लग रहा, ऊपर से फायदा फोन नहीं उठा रही। सायका से बात हुई है, ठीक है वो, हैनी और फाकिर खाना लेने गए हैं और फायदा सो रही है। जब से एक्सीडेंट का सुना है ना अभी। एक्सीडेंट नहीं हुआ है, बैठो यहाँ पर आकर, इधर आओ। अल्लाह ने अपना कर्म कर दिया, सब ठीक है, कल पहुंच जाएंगे ये लोग।
अल्लाह मेरे बच्चों की हिफाजत फरमाना, अल्लाह साथ खैर के सबको वापस लेकर आना, अल्लाह अपने हिफ्ज़ो अमान में रखना। आप पर फर्दिकार, आलिया से बात हुई थी तुम्हारी? बहुत चालाक लड़की है, जमशेद को अपनी उंगलियों पे नचा रही है, न जाने कौन सा काला जादू जानती है दोनों बहनें। दोनों की शादी हो गई है, मैंने कबूल कर लो। ये कभी नहीं हो सकता, कबूल करना तो दूर की बात, मैं उसको अपने भाई की जिंदगी से निकाल कर ही दम लूंगी। बस कर दो, जमशेद बेचारा अभी तो उसकी शादी हुई है, क्यों उसका घर बर्बाद करना चाहती हो? इतनी मुश्किल से तो उसका घर बसा है, जाने दो। क्या कहा आपने? जाने दो? आप तो चाहते ही यही है, और पता नहीं किस उसको मेरे सर पे लाके खड़ा करना चाहते। जाने दो। इधर मेरे, इधर आओ आशा। सर 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 सर, एक लड़का और लड़की को थोड़ी देर पहले यहाँ पे लेकर आए हैं, वो कहाँ पे हैं? हमजा। ओ अब तू कौन है छोरा और यहाँ क्या कर रहा है? यानी तुम परेशान मत हो, हम मैं इन लोगों से बात कर लेता हूँ, तुम रो मत। फाखिर? हाँ मैं देख लेता हूँ फाखिर को। सर मैं इन लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वाह भाई, लड़की तो बड़ी तेज है, एक लड़के के साथ और दूसरे को पीछे से बुला लिया, वाह भाई वाह। आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मैं एक शरीफ घर आने से हूँ। यानी अब तुम परेशान मत हो, मैं बात कर लेता हूँ इन लोगों से, मुझे बस दो मिनट दो। सर जी है ना यार, जरा दो मिनट के लिए मेरे साथ। देखें मैं इन लोगों को ना बड़े अच्छे से जानता हूँ, मैं इनकी शादी वादी में गया हूँ, सही धूमधाम से इन लोगों की शादी हुई है। सर आप क्यों परेशान करते हैं, छोड़ दें। अरे बाबा कोई सबूत है तेरे पास है कि ये दोनों मियाँ बीबी है? मैं आपको सबूत देता हूँ, क्यों टेंशन लेते हैं यार आप? ये चेक करें आप, शादीशुदा है यार, मैं खुद इनकी शादी में गया हूँ। अरे वाकई में ये दोनों शादीशुदा है? पर भाई इनको ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता, बड़ा मसला है, समझ बात को तू। अरे सर जी क्यों परेशान होते हैं, मैं हूं ना। सर जी अब छोड़ा जा सकता है? अरे मुला खुश रखे, तू तो छोरा बड़ा समझदार है, अब तो बहुत कुछ सोचा जा सकता है। सर जी सोचा नहीं जा सकता, सोचो, चलो। सोच लिया? चलिए जी आ जाए, मैंने बात कर ली है नहीं तो वो छोड़ देंगे फाखिर को। ठीक है आ जाए। वो साहब ने कहा छोरे को छोड़ दे। चलो छोरे, साहब ने तुझे छोड़ दिया है, बाहर आ जा। आजा आजा। फाकिर तुम ठीक हो ना? इसको कैसे जानती हो तुम? ये हमजा है, मेरा क्लास फेलो, उसने तो तुम्हें लॉकअप से निकलवाया है। शुक्र ये आ गया, वरना पता नहीं हम अभी तक यहाँ बैठ के ना सड़ रहे होते। तुम्हारा क्लास फेलो है, इसने कैसे निकलवाया हमें यहाँ से? हमारी शादी के पिक्चर्स इसने पुलिस वालों को दिखा दी थी, तो फाइनली उनको यकीन आ गया। यार ये हमने क्यों नहीं किया यार? अरे कोई मस्ता नहीं है यार, ऑब्वियसली बात है, टेंशन चल रही थी उस वक्त, तुम्हारे जहन से निकल गया होगा, खैर है कि तुमने संभाल लिया। और हाँ फाखिर, इसने ना पुलिस वालों को रिश्वत भी दी थी, तो तुमने इसके पैसे वापस कर देना। हम सर बताओ तुमने कितने पैसे दिए थे? नहीं नहीं यार कोई मसला नहीं है उसका, मुझे तो इनफैक्ट बहुत खुशी हुई कि मैं तुम लोगों की इस मुश्किल वक्त में मदद कर सका हूँ। थैंक यू हमजा, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हारा शुक्र अदा कैसे करूँ। थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा फर्ज था यार ये। चलो अब यहाँ से, बस बहुत देर हो गई। तुम लोग किस तरह जाओगे? तुम्हारी गाड़ी तो वहाँ होटल पे खड़ी हुई है। एक काम करो, मैं तुम लोग को ड्रॉप कर देता हूँ, मेरे साथ आ जाओ। नहीं नहीं थैंक यू, हम देख लेंगे खुद ही, चलो आ जाओ। फिर क्या हो गया तुम्हें? क्या हम गाड़ी कैसे ढूंढेंगे, हमें तो यहाँ के रास्ते भी नहीं पता, हमसे ऑफर कर रहे, चलो आ जाओ हम। अरे आ जाओ कोई मसला नहीं है, चलो चलो। देख रही हूँ
आजकल बात बेबात दांत निकले पड़ रहे हैं तुम्हारे है? शादी के बाद कुछ ज्यादा नहीं खुश रह रहे हो? कैसी बातें कर रही हो अम्मा, अब भला दुनिया में कोई आदमी होगा जो बीवी के आने से खुश ना हो, और वो भी मेरे जैसा जिसकी शादी इतने पापड़ बेलने के बाद हुई हो। वो भी बात ठीक है, पापड़ तो मैं बेल रही हूँ। अम्मा इस उम्र में मैं आपसे काम कराऊंगा? अरे आप तो बस अब आराम करो। आराम? सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम की चाय तक मैं बनाती हूँ। आराम तो वो महारानी कर रही है। अब अम्मा ऐसी बात भी नहीं है। बस बस हर वक्त उसकी हिमायत करते रहते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे उससे कहो अब वो हाथ का जख्म ठीक हुआ कि नहीं, किचन में घुसे 10 काम होते हैं। हमारी बाजियाँ ना उसकी अब मुझसे तो नहीं झेली जाती, और मैं नहीं खाना पका सकती रोज रोज। अब अम्मा आप इतना गलत क्यों समझती हो? आपको पता है इस हालत में भी ना वो बेचारी सारा सामान लेने बाहर गई है। अच्छा? हाँ मुझे तो नहीं बता के गई। मुझे बता दिया ना अम्मा, वो आप ही ना। मतलब माफ करे, ये कैसे अजीब लोग हैं? क्या हुआ, तुम इतना गुस्से में क्यों और सामान भी नहीं लाई? किस तरह के अजीब मोहल्ले में रहते हैं आप लोग? क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ जमशेद, मैं वहाँ गली से आ रही थी, वहाँ के बदमाशों ने खड़े होके मुझ पे आवाजें कसी है। कौन थे ये लोग? मुझे बताओ, मैं छोड़ूंगा नहीं सारो। अरे बस करो ये भरमबाजी है, किस किस से जाके लड़ोगे? मैं बड़े कितने मरतबा समझाया है कि चादर पहनकर जाया करो, रंग ढंग देखो इनके जरा। अरे अम्मा क्या रंग ढंग, दुपट्टा ओढ़ी हुई है, सर पे ली हुई है, और क्या करे वो? अम्मा ये मोहल्ले के लोगों में ना बदतमीजों की तादाद और बढ़ गई है, मुझे 2-3 लोगों ने और कंप्लेन की है। आलिया बात सुन लो, आज के बाद तुम अकेले बाहर नहीं जाओगी, या तो अम्मा के साथ जाओगी या मेरे साथ। नहीं नहीं अब क्या सब बाजार जाएंगे बाहर? वैसे भी अब मैं आज से घर के काम करूंगी सारे, बाहर नहीं जाऊंगी मैं। हाँ ये ठीक है, तुम घर के काम देख लेना, अम्मा सामान वगैरह आप ले आइएगा। नहीं मतलब मैं जब ना हूं तो आप ले आइएगा अम्मा, वरना मैं ले आऊंगा। पानी पियोगे तुम? अम्मा के लिए भी लिया पानी? भाई वो अपना खाना तो ले लें, वरना मेरी जेब से पैसे कटेंगे। हजरत ये पैसे आप ले लें, आप ले खाना। अभी ला, भूखी मर गई मेरी तो सारी, हर जगह निका नामा लेके हमें साथ घूमना पड़ेगा, वरना पुलिस पकड़ लेगी। देखा तो तुमने, ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहे थे हमारे बारे में। कर भी क्या सकते थे हम, सफाइयां देते रह गए और लॉकअप में बंद बाद में। शुक्र है वहाँ पे हमजा आ गया था किसी फरिश्ते की तरह, वरना पता नहीं हम कहाँ आते। का खाना मैं भी तस्वीर दिखाने वाला था उनको हमारी शादी की, वो जाहिर है गुस्से में था यार, उस टाइम पे समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूँ। तुम्हें अगर याद है तो वो बाबा की पुलिस में दोस्त होते हैं, मैं तो उनसे बात कराने वाला था, बस वो जहन से निकल गया, वरना तो सारे मामला क्लियर हो जाते अगर उनसे बात हो जाती। फ़ख्र तुम्हें ये सारे आइडियाज पहले आने चाहिए थे ना। मौका ही नहीं मिला यार मुझे, वरना सब सेट हो जाता। जो हुआ सो हुआ, शुक्र है हम वहाँ से जल्द बाहर आ गए। ऑल द क्रेडिट गोज़ टू हमजा। ये हमजा तुम्हारा बड़ा अच्छा दोस्त लगता है, क्या बेस्ट फ्रेंड है क्या सीधा? बेस्ट फ्रेंड नहीं है, सिर्फ एक क्लास फेलो है। तुम क्यों पूछ रहे हो? नहीं बस कुछ ज़्यादा ही करीबी दोस्त लग रहा था मुझे तो, इसलिए क्योंकि आप तो मेरी और आमना की दोस्ती से बड़े मसले थे ना, तो आपके दोस्त जो हैं वो सही हैं और मेरे दोस्तों में आपको मसले। आखिर ये तुम क्या कहना चाह रहे हो? और तुम और आमना सिर्फ दोस्त नहीं थे, तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। दोस्ती करने में और पसंद करने में बहुत फर्क होता है। पसंद तो वो भी आपको करता है, थाने में नजर नहीं आ रहा था कि आपको इतनी फिक्र आपकी कर रहा था, नहीं हमदर्दी थी उसके चेहरे से जमीन तक टपक रही थी। इसके बारे में इतना सोचो मत, आखिर दुनिया में ना अच्छे लोग भी हैं, वो हमारे साथ हमदर्दी दिखा रहा था बस, जाने दो इस बात को। हमदर्दी दिखा रहा था बोले, अरे कहाँ रह गए थे तुम लोग, कब से फोन कर रही हूँ? थाने में थे। क्या मजाक कर रहे हो, थाने में थे? पता है कब से जहीर भाई फोन कर रहे और टाल रही हूँ मैं उनको। उन्हें बता दीगा कि हम बड़ा जबरदस्त बेहतरीन किस्म का जो है वो थाने का सफर करके आए, फिर भी अगर यकीन ना हो ना तो जो उनका थाने वाला दोस्त है ना ऑफिसर,
उनसे पूछ लेगा कॉल करके कि हम कहाँ पे थे पूरा टाइम। अरे तुम लोगों को क्यों पकड़ेगी पुलिस? बोली वो बताओ ना, वो क्या कह रहा था पुलिस वाला कि वो दाढ़ी नहीं है, बीवी लेके घूम रहा है, सारी बातें बताओ उनको जो भी थी। बड़ा बेहतरीन आप लोगों ने ट्रिप प्लान किया माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। बस एक चीज़ करना भूल गए, आप लोग हमारा निकाह नामा रखना। कैसे हम कैसे यकीन दिलाएं लोगों को कि हम लोगों की शादी हुई भी हाँ। अब अगली बार अगर ट्रिप प्लान करना हो तो खुदा का वास्ता हम लोगों को इससे दूर रखें। ये ठीक कह रहा है नी? क्या जवाब दूंगी मैं जहीर भाई को? कुछ चलने वाला फोन तो ले जाती, तो वो हमें क्या पता था ये सब होगा। फोन, मेरा फोन शायद नहीं रह गया पता। अल्लाह मैं क्या करूं, इन बच्चों का वो कमर लेके बैठ गए, कौन जाएगा अब तुम्हारा फोन लेने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन हो बेटा आप? वो मैं फाखिर का दोस्त हूँ। असल में ये इनका फोन रह गया था पुलिस स्टेशन, तो मैं बस वही देने आया था। तो फोन आपके पास कैसे आया? पापा मैं आपको इत्तेफाक बताती हूँ क्या हुआ। जिस ढाबे पे मैं और फाखिर खाना लेने गए थे ना, ये उसी ढाबे पे वापस था, हमें देख रहा था, हमें देख के उसने हमें बचाने आ गया। हाँ तो फाखिर को तो बुलाओ बेटा। क्यों नहीं बुलाते ना? बहुत लेट हो गया ना, वो सो रहा होगा, उसको सोने दे, थक गया वो। जी जी आंटी, कोई मसला नहीं है। तुम जाओ, तुम भी थक गए होगे ना, काफी रात हो गई। जी मैं बाद में आता हूँ फाखिर से मिलने। चलो बेटा, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी। कोई मसला नहीं आंटी, जज़ाकअल्लाह। या अल्लाह, आज के लिए बहुत ड्रामा हो गया, बस चलो यानी खाना लगाओ, सबको बुलाओ, चलो बहुत ड्रामा हो गया। ओ बस भी करो फहमी, बस कर दो, क्यों इतनी छोटी सी बात पर रो के हलकार हुई जा रही हो? है रहने दे अम्मा, इतनी छोटी बात भी नहीं है। सच बात तो ये अम्मा कि आप लोग ने ना हमेशा मेरे साथ फर्क किया है। कोई भी ऐसी बात नहीं है बेटा, कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं अम्मा, हाँ, ये सही नहीं हुआ मेरे साथ, मैं बता रही हूँ। अच्छा है क्या मामा? क्या हुआ? जीते रहो बेटा। अरे क्या हो गया फैमिली, खैरियत? भाई ये तो आप बताएंगे ना मुझे, ऐसी क्या गलती होगी मुझसे जब मेरे साथ और एमन के साथ ऐसे अजनबी जैसा सलूक किया जा रहा है? कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा क्यों होगा भला? अच्छा भाभी, इसीलिए घर का हर वक्त हर बच्चा गया घूमने के लिए, हम तो किसी ने पूछा तक नहीं। पता है एमन का रो रो के बुरा हाल है, कितनी हर्ट हुई है वो। अरे फैमिली, वो तो अचानक से प्लान बना, बल्कि मैंने तो साइका से कहा था कि आपस में प्लान बना लो। वाह भाई, भिजवा तो आप रहे थे ना सबको, और बुलावा हमें कोई और देता। भाभी आप तो कम से कम एक फोन कर देती सबको ना, से एमन को तो ले जाया जा सकता था। फैमिली तुम अच्छी तरह जानती हो घर में किस कदर टेंशन चल रही है, एकदम से ये प्लान बना और ऐसे ये लोग निकल गए फौरन। बस रहने दे भाभी, सब जानती हूँ मैं, ये दिल की बातें, बहाने मत बनाया आप। क्या हो गया फैमिली, तू अच्छी तरह से जानती, तुम्हारा भाई तुम्हारे पर कितनी जान छिड़कता है, तुम सबके ऊपर, और तुम ऐसी बातें कर रही हो। वो लोग वापस आ रहे हैं, अब मालूम हो गया ना तुम्हें हादसे के बारे में कि नहीं? वाह अम्मा, अब वहाँ उनका मजा किरकिरा हो गया तो मैं यहाँ बैठ के अफसोस करूँ? सच बात यह कि मुझे जान बूझ के नहीं बताया गया, मेरे साथ अजनबी जैसा सलूक होता है इस घर में। अल्लाह की कसम ऐसी कोई बात नहीं, खुदा का वास्ता क्यों गलत सोचती हूँ? मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि जल्दबाजी में प्लान बन गया, हमारा बिल्कुल ऐसा कोई इरादा नहीं था। और रही बात अपनी क्या नाम है एमन की, तो अगर उसका दिल दुखा है तो मैं माफी मांग लेता हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं माफी मांगने की। कच्ची कच्ची टहनियों को आंधियां क्यों तोड़ती है, क्यों ये लहरें कश्तियों को बेसहारा छोड़ती है, छोटी उम्रों के ये बंधन रोग बन जाते हैं काहे, क्यों ये किरने रोशनी की काले बादल ओढ़ती है। अब तो ये हाल है, हर पल सवाल है, देखा न था सोचा न था ऐसा मलाल है।
फर्श पर